हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे ENT के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि सिर्फ ईयर से रिलेटेड है, ईयर वाले यूनिट के, एंड बहुत ज़्यादा लाइकली चांसेस हैं कि वो आपके एग्जाम्स में आए। सो मेक नोट ऑफ दिस और यू कैन फाइंड दिस PPT इन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। आई विल प्रोवाइड अ लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड सो लेट इस गेट ऑन विद द वीडियो एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आई विल टेल यू कि कहाँ पे डायग्राम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पे इसका रिटन मटेरियल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड ये सारे टॉपिक्स मैंने चैप्टर वाइज लिखे हैं अकॉर्डिंग टू द ENT ढींगरा बुक। एंड आई होप यू लाइक द सिस्टमैटिक वे ऑफ दिस PPT एंड दिस इज इनफ। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 1 एनाटमी ऑफ ईयर। इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, नर्व सप्लाई ऑफ पिन्ना, मिडल ईयर एंड इनर ईयर फ्लूइड्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इम्पॉर्टेंट होगा कि आप इसका डायग्राम करो, डू इट्स डायग्राम द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड, बिकॉज द इन क्वेश्चन पेपर इट विल बी मैंशन कि लेफ्ट साइड का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाओ या फिर राइट साइड का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाओ। अगेन, नर्व सप्लाई ऑफ पिन्ना रिक्वायर्स अ ब्यूटिफुल डायग्राम एंड यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू ड्रॉ इट, इट्स अ वेरी ईजी डायग्राम। Then middle ear, it is the most important topic amongst these in this chapter, and इसका पूरा अच्छे से diagram करना है and इसको बना बना के practice करना, because ये पूरा एक question आ सकता है 5 marks का। Then inner fluids, जिसमें perilymph, endolymph, उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके क्या components, constituents है वो पता होने चाहिए, and that is enough from the anatomy of ear. The second chapter is the physiology of hearing. इसमें एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है, उसका डायग्राम, मेकानिज्म ऑफ हेयरिंग जैसे कंडक्शन, ट्रांसडक्शन ऑफ ए पाथवे, उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए, एंड द डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर हेयर सेल्स, कितने होते हैं, कौन सा किस फंक्शन के लिए है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, द चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 में इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं था। चैप्टर नंबर 4 असेसमेंट ऑफ हेयरिंग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूनिंग फोक टेस्ट एंड इंटरप्रिटेशन, व्हाट डू आई मीन बाय इंटरप्रिटेशन, कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेगी, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेगी, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। दिस इज समथिंग विच विल बी आस्क्ड इन ऑल योर वाइवाज एंड प्रैक्टिकल्स। ओके, ये हमारे वाइवा, प्रैक्टिकल्स एंड इवन थ्योरी एग्जाम्स में वेरी इंपॉर्टेंट। देन इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री एंड टिम्पैनोग्राम्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इसकी मैं एक YouTube वीडियो भी बना दूंगी, जितने भी मेरे पे टिम्पैनोग्राम्स के होंगे उन सब के आपको कैसे रीड करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि इससे क्या डायग्नोसिस बनेगा, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर द वाइवा एंड प्रैक्टिकल बोथ एंड थ्योरी। ब्रेन स्टेम इवोक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, अगेन बेरा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक फोटो तो आपके प्रैक्टिकल में भी रखा होगा। एंड ऑटो अकोस्टिक एमिशन, सो मेनली दिस असेसमेंट ऑफ हेयरिंग इज फॉर द प्रैक्टिकल, पर ट्यूनिंग फोक टेस्ट जैसे रिनीज, वेबर्स, ये सारे आपसे प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे कैसे करते हैं, शॉबैक, ABC, ये आपको सब पता होने चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर चैप्टर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 5 हेयरिंग लॉस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडियोग्राम्स, वाइवा, प्रैक्टिकल पूरे रखे जाएंगे फोटोज़। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से करना है, इसकी भी वीडियो आई विल ट्राई टू मेक इट। ओटोटॉक्सिक ड्रग्स सारी इन लिस्ट करनी आनी चाहिए, नेम्स पता होनी चाहिए। नॉइज इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस, अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। सडन हेयरिंग लॉस, प्रेस बाइक यूसेज, ये सारे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के एग्जाम्पल्स या उसके अंडर भी आते हैं। प्रेस बाय क्यूकीज जो कि ओल्ड एज में होता है, अगेन इंपॉर्टेंट। एंड डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस, इसमें WHO की डेफिनेशन ऑफ डेफ पढ़ लेना कि डेफ हम कब कहते हैं और कितने डिग्री पे, जैसे प्रोफाउंड कब बोलते हैं, माइल्ड कब बोलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑडियोग्राम्स। ओके, चैप्टर नंबर 6 इज असेसमेंट ऑफ वेस्टिबुलर फंक्शंस, एंड इसमें आपको डिस्क्स, हॉलपाइक टेस्ट पता होना चाहिए क्या है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट आपको पता होना चाहिए कि क्या है बस। एंड कैलोरिक टेस्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर कैसे यूज़ है, बहुत अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, पूछेंगे। एंड चैप्टर नंबर 7 डिसऑर्डर्स ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम, इसमें क्या है, बिनाइन पेरोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो, BPPV, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वर्टिगो, वेरी इंपॉर्टेंट।
इन दोनों क्वेश्चंस में से सेंट्रल एंड पेरिफेरल वर्टिगो एक क्वेश्चन तो पक्का है, ठीक है, या तो ये या फिर ये, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल एंड पेरिफेरल वर्टिगो बुक में नहीं दे रखा है ईएनटी में, एंड आपको इसे गूगल से निकालना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 8 इज डिसीजेज ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, पेरिकोंड्राइटिस, फरंकल, डिफ्यूज और टाइटिस एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट। जितने भी ये स्टार मार्क लगे हुए ना, मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओटोमाइकोसिस, मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्नल, इंपैक्टेड वैक्स एंड इट्स रिमूवल, फॉरन बॉडी एंड इट्स रिमूवल, एंड केराटोटिस ऑप्टुलेंस। ये जो एंड इट्स रिमूवल वाले हैं ना, ये मतलब आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि कैसे रिमूव करोगे, क्या मेथड्स है। और फॉरेन बॉडी में तो पूछते हैं वेजिटेबल फॉरेन बॉडी होगी तो क्या करोगे, बैटरी होगी तो क्या करोगे। दिस इज इसका पैराग्राफ दे रखा है, प्लीज़ रीड इट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड डिफ्यूज और टाइटिस एक्सटर्नल अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर नंबर 9 इज यूस्टेशियन ट्यूब डिसऑर्डर्स, एंड तो इसमें आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन एडल्ट एंड इन्फेंट यूस्टेशियन ट्यूब, ट्यूबल ब्लॉकेज, एडेनॉइड्स एंड यूस्टेशियन ट्यूब फंक्शन। इस पर हमारा पीवीक्यू भी आया था कि इसमें एडेनॉइड्स का केस था और यूस्टेशियन ट्यूब फंक्शन। तो एडेनॉइड्स में ना हमारा सीरियस ओटाइटिस मीडियम, ये दोनों कंबाइंडली बहुत ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं, तो उस पीवी का आंसर एडेनॉइड्स प्लस सीरियस ओटाइटिस मीडिया था, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे एडेनॉइड्स की वजह से ये होता है और उसकी वजह से सीरियस ओटाइटिस मीडिया होता है, ठीक है। एंड कॉजेज ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, सो इसका एक बॉक्स बना हुआ है, प्लीज़ रीड इट। चैप्टर नंबर 10 इज़ डिसऑर्डर्स ऑफ द मिडिल ईयर। अब मिडिल ईयर ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आने वाले चैप्टर्स कुछ कुछ आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो हमारा ईयर है वो आई थिंक 50% से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा थ्योरी पेपर ईएनटी का, बिकॉज ईयर इज़ सो वास्ट एंड इट्स सो इंपॉर्टेंट, इट कवर्स हाफ ऑफ द ईएनटी, ठीक है। एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन या फिर सीरियस ओटाइटिस मीडिया, इट इज़ द सेम थिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ओटाइटिक बैरोट्रामा, ठीक है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट स्टिल। तो ये दोनों तो बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसकी सारी स्टेजेस, सब कुछ, सारे डायग्राम्स विद डायग्राम्स, ओके, और कैसा दिखता है, क्या प्रेजेंटेशन है, सब कुछ आपको अच्छे से रीड करना है। चैप्टर नंबर 11 कोलेस्टोमा एंड क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोलेस्टोमा पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी थ्योरीज, क्या इसका स्ट्रक्चर है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, जिसमें ट्यूबोटिम्पैनिक, ओके, ट्यूबोटिम्पैनिक एंड एटिको एंट्रल टाइप, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस भी बहुत अच्छे से कर लेना, टेबल दे रखी है पूरी, एंड डू दैट टेबल, एंड डिफरेंस बिटवीन केनाल वॉल अप एंड केनाल वॉल डाउन प्रोसीजर, जो इसके मैनेजमेंट में यूज़ होता है, केनाल वॉल अप, केनाल वॉल डाउन, अच्छे से रीड करना। यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल के देख लेना कि कैसे होता है, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ओके। चैप्टर नंबर 12 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, अगेन पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एक्यूट मैस्टर्ड ओटाइटिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन कर लेना, इंट्राक्रैनियल कौन से होते हैं, एक्स्ट्राक्रैनियल कौन से होते हैं, मतलब इंफ्राटेम्पोरल और इंट्राटेम्पोरल, ऐसे पेट्रोसाइटिस, लैब्रिंथाइटिस और लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमारा जैसे ये एक हो गया जो कि बहुत ही सीवियर केस हो गया, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो गया, ठीक है, जो कि हमारे डेथ में भी रिजल्ट कर सकता है। सो कॉम्प्लिकेशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से ये चार पांच टॉपिक्स, और ये तो नेम करने ही करने, इनके बारे में शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ओके। सो दीज आर सम चैप्टर्स दैट यू हैव टू डू फुल्ली, मतलब लाइन बाई लाइन, एक भी चीज़ मिस नहीं करनी है, एक भी पैरा मिस नहीं करना है, एक भी बेसिक हेडिंग मिस नहीं करनी है। बेसिक हेडिंग मतलब जो डेफिनेशन, ईटियोलॉजी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, सिम्टम्स, साइंस, ऑन एग्जामिनेशंस एंड डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, ये सारी बेसिक एंड कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी बेसिक हेडिंग्स प्लस डायग्राम्स सबके, प्लस इन सबके ना जैसे ओटोस्क्लेरोसिस मीनस डिसीज, इनमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स मिलती है टिम्पैनोग्राम्स और ऑडियोग्राम्स में, वो प्रैक्टिकल में भी पूछी जाएंगी, वो थ्योरी में भी पूछी जाएंगी, वो एमसीक्यू में भी पूछी जाएंगी। डोंट मिस दीज चैप्टर्स, टिनाइटिस, ओटालजिया प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि टिनाइटिस एंड ईयरिक मतलब ओटालजिया की कंप्लेन लेकर आते हैं, एंड दीज थ्री, इनमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग मिलती है टिम्पैनोग्राम ऑडियोग्राम में, डोंट मिस दीज चैप्टर्स, ये पूरे के पूरे पढ़ने हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं, ओके। चैप्टर नंबर 14 फेशियल नर्व डिसऑर्डर्स, फेशियल नर्व अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका हमें सब कुछ पता होना चाहिए, लाइक कोर्स, ब्रांचेस, इसके लैंडमार्क्स, लैंडमार्क्स पे अलग से क्वेश्चन आता है बहुत सारे मार्क्स का, एंड
इसमें हमारा पैरोटिड सर्जरी के लिए अलग लैंडमार्क्स एंड डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई करके लैंडमार्क्स दे रखे हैं. आपको जो बुक सूट करती है आप उस बुक से लैंडमार्क वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कर लेना. देन कॉजेज ऑफ फेशियल पैरालिसिस, उसमें से एक मोस्ट कॉमन कॉज इडियोपैथिक वाला बेल्स पाल्सी होता है, जिसपे अलग से शॉर्ट नोट क्वेश्चन आ सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट बेल्स पाल्सी. ओके, सिमिलरली रैमसे हंट सिंड्रोम भी बहुत कॉमन है. ये दो क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. वाइवा वाले मतलब कि कॉजेज ऑफ बायलेटरल फेशियल पैरालिसिस, कॉजेज ऑफ रिकरेंट फेशियल पैल्सी, ये हमारे एक मिकेलसन सिंड्रोम के अंदर एक पैराग्राफ में दे रखे हैं कॉजेज, वो अच्छे से लर्न कर लेना. ठीक है. एंड टोपो डायग्नोसिस टेस्ट, अगर इसमें से कोई एक पूरा सेपरेट शॉर्ट नोट आ सकता है तो वो है सर्जिकल लैंडमार्क्स पे और टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट पे. टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है कि फेशियल नर्व की जो जो ब्रांचेस निकलती रहती है ना, उन लेवल पे कुछ कुछ टेस्ट होते हैं जो कि हमें पता लगाते हैं लोकलाइज करने के लिए कि लीजन किधर होगा. तो वो टोपो डायग्नोस्टिक मतलब कहाँ पे हम टोपोग्राफी देख रहे हैं, मतलब उसका साइट देख रहे हैं. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चैप्टर नंबर 16 इज ट्यूमर्स ऑफ द एक्सटर्नल ईयर. तो इसमें पेरिऑरिकुलर साइनस, बेसल सेल कार्सिनोमा, ऑस्टियोमा एक्जोस्टोसिस, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, पर ऑस्टियोमा एक्जोस्टोसिस में मतलब पता होना चाहिए और पेरिऑरिकुलर साइनस का पैराग्राफ अच्छे से रीड कर लेना. ठीक है, ये हमारा पेरिऑरिकुलर साइनस या सिस्ट है. चैप्टर नंबर 17 ट्यूमर्स ऑफ द मिडल ईयर एंड मैस्टॉइड, इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोमस ट्यूमर. डोंट मिस दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजी पर्पस ऑल्सो. चैप्टर नंबर 19 द डेफ चाइल्ड, इसमें एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है पैरा का जिसमें हियरिंग असेसमेंट मेथड्स इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन दे रखा है. ठीक है, वो पढ़ लेना कि इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन में कैसे कैसे मेथड्स होते हैं हमारे पास उनका हियरिंग असेस करने के लिए. चैप्टर नंबर 20 रिहैबिलिटेशन ऑफ द हियरिंग इम्पेयर, इसमें क्या है बोन एंकर्ड हियरिंग एड्स, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मिस मत करना. ठीक है, डायग्राम देख लेना अच्छे से, और क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका मैनेजमेंट हमें इन्हीं बेसिस पे करना पड़ेगा, बच्चे एडल्ट सब में बोन एंकर्ड हियरिंग एड्स एंड कॉकलियर इम्प्लांट्स. ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये रीड करना, बट डू इट. ठीक है, इस पूरे पूरे पैराग्राफ पढ़ना. सो दैट इज़ ऑल फॉर द ईयर, एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. एंड जो हमारी बाकी यूनिट्स जैसे लारिंग्स और नोज हो गया, इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई विल अपलोड सून. एंड दिस इज़ ऑल फॉर ईयर, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.